हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो 10+2 नेवी बीटेक इंट्री से रिलेटेड है जो कि 2022 वाली है। सो आपके जो भी डाउट थे नेवी 10+2 इंट्री से, यानी कि जैसे कि एसएसबी कब होगी, आपकी एसएसबी कब कंडक्ट होगी, एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का मेल कब आएगा, एसएसबी सेंटर कौन कौन से आपको मिल सकते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। नेवी 10+2 बीटेक इंट्री से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो वीडियो करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जैन मैम पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइज, इस वक्त हम 10+2 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं जो कि बीटेक इंट्री का है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे जो कट ऑफ किसके बेस पे यहाँ पे होती है, सो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 12th के परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम 70% जो मिनिमम होती है पीसीएम में एंड इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। सो आपका जो डिसीजन होता है यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वो होती है आपके जेई मेंस पे। जेई मेंस के स्कोर के परसेंटेज के बेस पे, परसेंटाइल के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सो ये हो गया किसके बेस पे सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर को क्या है, यानी कि एसएसबी आपकी कब कंडक्ट होगी, कौन कौन से सेंटर आपको मिलेंगे, वो आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो अगर बात करें हम आपकी एसएसबी कब कंडक्ट होगी, तो यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एसएसबी है वो मार्च एंड अप्रैल में कंडक्ट होगी। यानी कि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्च के लास्ट वीक तक आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाएंगी एंड अप्रैल तक आपकी एसएसबी चलने वाली हैं। सो आपके लिए यहाँ पे सेंटर कौन कौन से अलॉट किए जा सकते हैं, कौन कौन सा सेंटर आपको मिल सकता है एसएसबी सेंटर, तो एसएसबी बेंगलोर, एसएसबी भोपाल, एसएसबी कोलकाता एंड विशाखापट्टनम, आपको यहाँ पे सेंटर इनमें से कोई एक मिल सकता है। सो आपको इनमें से ही किसी एक में आपको एसएसबी आपकी देनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का ईमेल कब आएगा एंड कैसे आपको पता चलेगा। सो अगर बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के मेल की, तो आपका 10 मार्च से पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग के मेल आ जाएगा। बहुत कम टाइम बचा है, बहुत जल्द आने वाला है आपके पास। सो 10th ऑफ मार्च से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय चांस अगर एसएसबी डिले होती हैं, यानी कि मार्च में नहीं स्टार्ट होती हैं, अप्रैल से स्टार्ट होती हैं, तो सेकेंड वीक ऑफ मार्च में हो सकता है ये, लेकिन 10 मार्च से पहले ही आ जाएगा क्योंकि आपकी एसएसबी यहाँ पे बोला गया है कि मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। सो 10th मार्च से पहले आपके पास आपका शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आ जाएगा। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं आप रजिस्टर्ड इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अगर बाय चांस आप मिस करते हैं तो आपके पास एक मेल आ जाएगा एंड मैसेज भी आ जाएगा। जो भी आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम अपनी मेल आईडी दी होगी या फिर अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, उसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होता है एंड ये बाकी सारे प्रोसीजर नॉर्मल हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होंगे जो भी इसके रिगार्डिंग डाउट है। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो इसके अलावा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, तो गाइज इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अन अकेडमी पे अगर 24 मंथ्स का आप एनडीए का प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 4 मंथ्स का एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच ये एप्लीकेबल रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे सीडीएस के लिए भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे 24 मंथ्स का सीडीएस एफकैट सीआईपीएफ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 मंथ्स का एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन रहेगा। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को इंट्रोड्यूस कर रही है अकेडमी, तो यहाँ पे अगर 12 मंथ्स के एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का एसएसबी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। 23 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच एक बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है जो कि नेवी के लिए कंप्लीट बैच कोर्स हो रहा है। प्रैक्टिस बैच कोर्स है जिसमें आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। गोदावरी बैच कोर्स है। सारे ट्विटर्स आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अचीव सीडीएस बैच कोर्स सीडीएस के लिए भी लाया गया है। प्रैक्टिस बैच कोर्स है 30 डेज के लिए एंड इसके अलावा यहाँ पे राफेल एपकैट के लिए भी बैच कोर्स लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कॉम्बैट एनडीए के लिए प्रैक्टिस बैच कोर्स लॉन्च किया गया है। एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस को सुमित सर कवर करने वाले हैं एंड बाकी ट्विटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अकेडमी को तो करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हैव रेफरल कोड, इसमें आपको सिर्फ GM10 टाइप कर देना है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आप प्राइस रेट होगा जितने महीने का, आप उसमें 10% की आपको छूट मिल जाएगी। सो इसी तरह आप एपकैट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किसी के लिए भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सेम यही प्रोसीजर करना होता है। कोड यूज़ करेंगे GM10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका प्राइस रेट होगा उसमें 10% की छूट। सो जाइए एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दीजिए। सो आज के वीडियो फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।